मायावी नेल पॉलिश का पेड़। एक गांव में बबीता और तारा नाम की दो बहनें रहती थी। तारा का रंग काला था, लेकिन वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी। वहीं बबीता दिखने में बहुत सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो तारा से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन तारा बबीता के फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देख कर बबीता गुस्से से आग बबूला हो गयी। क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कर दी। पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? बबीता, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी काली कलोटी मेरी बहन नहीं हो सकती। कहां मैं इतनी सुंदर और कहां तो काली। चल अब जल्दी से मेरे कमरे से बाहर निकल। खबरदार, आगे से मेरे किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन बबीता की बात सुन तारा दुखी होकर अपने कमरे में चली गई। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट जादूगरनी रहती थी। उस जादूगरनी ने एक दिन नदी किनारे अपनी जादुई शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। आखिरकार मैंने मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लगा ही दिया। अब जो भी लड़की इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर जैसे ही गांव की लड़कियाँ अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगी। फिर मैं दुनिया की बहुत ही शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन बबीता अपने कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नज़र वहाँ उसी नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर बबीता अपनी सहेलियों से बोली, अरे मीना देखो तो, मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारे सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस काली कलोटी तारा ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ में से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तू ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतनी सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर बबीता और उसकी सहेलियाँ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारे नेल पॉलिश तोड़ लेती है। फिर घर जाकर जैसे ही वो तीनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है, नेल पॉलिश लगाते ही वो तीनों जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा गई। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ जादूगरनी आई और हंसते हुए बोली, अरे वाह सुंदर लड़कियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की लड़कियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। अब धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी मेरे चंगुल में फंस जाएगी और फिर इनकी बलि देकर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। ऐसा कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो, बदले में अपनी नेल पॉलिश वापस ले लो। नहीं, मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ सकती। तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की की बलि देकर मेरे देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि गांव की लड़कियां मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम तीनों मेरे कब्जे में हो, अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। दूसरी ओर काफी समय बीत जाने के बाद बबीता को घर में ना पाकर तारा चिंता में पड़ गई। तारा बबीता को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला बबीता की सहेलियां भी घर पर नहीं है। फिर तारा परेशान अपनी बहन बबीता को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुंची। तभी उसकी नज़र उसी नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर तारा चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़
पेड़ है, इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था, फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर सी लड़की आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकालकर अपने नाखूनों पर लगाती है और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नज़ारा देख तारा हक्की बक्की रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता है मेरी बहन भी ये नेल पॉलिश को लगाकर गायब हुई है। मुझे अपनी बहन तक पहुँचने के लिए ये नेल पॉलिश लगानी होगी। तारा नेल पॉलिश लगाने ही वाली होती है कि तभी एक परी वहाँ प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगरनी से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी लड़कियों की भी जान बचानी है। तारा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगरनी कितनी शक्तिशाली है? वो गांव के सुंदर सुंदर लड़कियों की बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ। वहाँ जाते ही उस जादूगरनी के ऊपर चुपके से छिड़क देना। तारा परी का धन्यवाद कर जादुई भस्म अपनी जेब में छुपा कर रख लेती है। फिर तारा ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी उस जादूगरनी की गुफा में पहुंच गई और जादूगरनी को पुकारने लगी। दुष्ट जादूगरनी, मेरे सामने आ, मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की लड़कियों को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे वरना अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक जादूगरनी हंसते हुए वहाँ आ पहुँची। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू तो एक मामूली लड़की है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी लड़कियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाऊंगी। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। दुष्ट जादूगरनी, मैं तुझे तेरे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तारा की बात सुनकर जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। तभी मौका पाकर तारा ने अपने जेब से जादुई भस्म निकालकर जादूगरनी के ऊपर छिड़क दिया। जादूगरनी के शरीर पर भस्म पड़ते ही जादूगरनी का शरीर जलने लगा। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? कोई बचाओ मुझे! ये कहते हुए जादूगरनी चीखने लगी और देखते ही देखते पल भर में जादूगरनी जलकर राख हो गई। जादूगरनी के मरते ही सभी लड़कियां जादूगरनी के चंगुल से आजाद हो गई। फिर सभी ने तारा का धन्यवाद किया। बबीता को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने तारा से माफ़ी मांगी। तारा, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई, अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी बहन हो। ये कहते हुए बबीता ने तारा को गले लगा लिया। उसके बाद तारा, बबीता और गांव की बाकी लड़कियां खुशी खुशी अपने घर लौट आई। जादूगरनी के मरने के बाद मायावी नेल पॉलिश का पेड़ भी गायब हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का रंग रूप उसका स्वभाव नहीं बताता कि वो कैसा इंसान है। इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए और इंसान को सभी लोगों की मदद करनी चाहिए।